मैं एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूंगा, उससे आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा कि हमारे जीवन में दुख कहां कहां से और क्यों क्यों दस्तक दे रहे हैं। अगर उसके जड़ पकड़ ली, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपने समझ लिया और उसको क्लोज कर दिया, तो कोई कारण नहीं है मनुष्य जीवन में दुख का। प्रेजेंटेशन चालू करना प्लीज। मनुष्य जीवन के तमाम दुखों का मूल जो है वो उसकी दो समस्याओं में, दो आदतों में, दो बुराइयों में छिपा हुआ है। एक है इन्वॉल्वमेंट, दूसरा है एक्सपेक्टेशंस। लेकिन इन्वॉल्वमेंट और एक्सपेक्टेशंस अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, ये पैदा होती है पक्षपात और चुनावों से। अब आप समझिए कि पक्षपात और चुनाव मनुष्य के जीवन में कहां से आते हैं। आप थोड़ा सा अपने जीवन पे गौर करना कि हर चीज के लिए, हर बात के लिए आप पक्षपात करते हैं, हर बात के लिए आप चुनाव करते हैं। और ये पक्षपात और चुनाव ऐसी बुरी आदत है जो मनुष्य का मन, उसकी साइकोलॉजी को विकृत कर देती है। छोटा बच्चा पक्षपात और चुनाव लेकर पैदा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है कि माता पिता शुरू हो जाते, परिवार वाले शुरू हो जाते कि बेटा ये करना अच्छा, ये खराब, इन बच्चों के साथ खेलना ठीक, इनके साथ नहीं खेलना, ये पाना ये नहीं पाना, ये अच्छा ये बुरा, बच्चों की शिक्षा शुरू हो जाती और उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता। प्रकृति की ओर से जब मनुष्य पैदा होता है तो उसका ब्रेन बड़ा कमजोर होता है, बच्चे का ब्रेन बड़ा कमजोर होता है, लेकिन उसको शिक्षा दी जाती, उसे मोल्ड किया जाता, उसे ट्रेंड किया जाता। अच्छा सोच के ट्रेंड करते, मैं भावनाओं पर शक नहीं कर रहा, लेकिन पक्षपात और चुनाव की बच्चे पे आदत डलती है, उसका साइकोलॉजिकल प्रभाव किसी को नहीं मालूम। नेक्स्ट, फिर बच्चा भी उस दिशा में दौड़ पड़ता है कि हाँ मुझे भी कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा, मुझे भी पक्षपात करने पड़ेंगे, क्योंकि हम उसको सिखाते। बच्चे को नहीं मालूम होता कि मैं हिंदू हूं, बच्चे को नहीं मालूम होता कि मैं किस समाज में, किस घर में पैदा हुआ हूं। हम सिखाते, हम पक्षपात सिखाते कि तू ये है, तू वो है। फिर बच्चा भी उस दिशा में दौड़ पड़ता। आप ये जीवन की प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि कोई भी चीज की जब तक आपको जड़ नहीं मालूम, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम कि क्या है, आप उस चीज का इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर भी आपकी बीमारी का इलाज तभी कर पाता जब उसे मालूम हो कि इस बीमारी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मूल क्या है। अगर वो पकड़ में नहीं आता तो कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, कितनी अच्छी ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप घूमते रह जाते हैं, घूमते रह जाते हैं, घूमते रह जाते हैं। वैसे ही साइकोलॉजी का है, अगर मन ने इन्वॉल्वमेंट और अपेक्षा पकड़ी है तो उसकी जड़ क्या है, उसकी जड़ है पक्षपात और चुनाव। पहले हम सिखाते बच्चों को, परिवार वाले, फिर बच्चा उस दिशा में दौड़ पड़ता और आगे बढ़ता जाता, आगे बढ़ता जाता, आगे बढ़ता जाता। नेक्स्ट, और फिर ये सभी जानते हैं कि समाज और धर्म पक्षपात और चुनावों की झड़ी लगा देते। स्कूल में पक्षपात और चुनावों की झड़ी लग जाती, ये डल स्टूडेंट, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्राइटेरिया क्या है? एडिसन भी डल माना गया, आइंस्टाइन भी डल माना गया, कृष्ण भी अशिक्षित थे, बुद्ध को भी शिक्षा नहीं मिली ज्यादा, आपका क्राइटेरिया क्या है? लेकिन सिखाते ये अच्छा ये बुरा, ये करना ये नहीं करना। और धर्म और समाज तो छोड़ते ही नहीं है, लंबी लंबी लिस्ट पकड़ाते चले जाते कि ये चुनो ये छोड़ो, ये अच्छा ये बुरा, सदियों से करते आ रहे हैं, सदियों से यही चीज, इसी तरीके से बच्चे की परवरिश हो रही है, यही चीज अच्छी मान के सिखाते चले जा रहे हैं। जीवन किसका बन रहा है?
हम वैज्ञानिक युग में हैं, सबूत चाहिए। अगर आपकी शिक्षा सही है तो परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं? साइकोलॉजी का अज्ञान है और मनुष्य एक साइकोलॉजी है, बगैर साइकोलॉजी जाने उसके साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। अगर आपको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है कि ये परमाणु क्या है, ये पदार्थ क्या है, ये किसकी क्या केमिकल रिएक्शन होगी, तो आप उस पर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? लेकिन मनुष्य पे पैदा होते ही सदियों से सदियों से सदियों से प्रयोग चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर आकर शुरुआती दौर में तो किसी मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ा ऊपरी ऊपरी मामला होता है कि ये अच्छा ये बुरा, इसको चुनो इसको छोड़ो। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जीवन में, उसके विचारों में दृढ़ता आती कि हां मैं यही करूंगा, हां यही ठीक है, मैं यही चुनूंगा, और वो चुनता चला जाता, वो पक्षपात करता चला जाता। तीसरी कोई शिक्षा मनुष्य को मिलती नहीं। तीसरे तरीके से समझाते न तो परिवार वालों को आता, दुख की बात है, न समाज को आता, न स्टडीज को आता, न सोकॉल्ड धर्मों को आता। साइकोलॉजी कभी नहीं सिखाती कि आप ये चीज चुनो, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि साइकोलॉजी जानती है और एक से एक ऐतिहासिक साइकोलॉजी इस दुनिया में कही गई है। पक्षपात नहीं सिखाती, चुनाव नहीं सिखाती, लेकिन बच्चा सीखता, आगे बढ़ता और फिर दृढ़ हो जाता। और जैसे ही कोई विचार मनुष्य दृढ़ करता है, आप समझ लेना कि उस विचार के प्रति उसके भाव मजबूत हो जाते हैं। ये प्रोसेस है। और जैसे ही भाव मजबूत होते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और कुछ नहीं हो रहा है। मनुष्य के दुखों की जड़ यहां से शुरू होती कि जिस जिस विचार के प्रति वो दृढ़ हो गया, वहां वहां पर वो इन्वॉल्व हो गया। आप गौर करना, जीवन में दुख की शुरुआत कहां से हो रही है? सिर्फ वही चीज आपको दुख दे रही है जिस चीज के प्रति आपने विचार दृढ़ किए हैं, और विचार ने भाव पैदा किए, भावों ने इन्वॉल्व करा। और फिर जैसे ही आप इन्वॉल्व होते हैं कि आप मानते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है, इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये भाव पैदा हो रहा है विचारों की दृढ़ता के कारण। फिर उस पर होने वाले हमले, उस पर आने वाले संकट आप झेल रहे हैं। आप जीवन में गौर करना, जितने जितने आपने चुनाव करे, उसमें इन्वॉल्व हुए, उन उन चीजों पर संकट आते, आप परेशान होते, आप दुखी होते। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट का मैंने आपको समझाई दिया कि विचारों में दृढ़ता से इन्वॉल्वमेंट पैदा हो रहा है, और इन्वॉल्वमेंट आपके दुखों का मूल है। आप अपने परिवार में इन्वॉल्व हैं, आप अपने मित्रों में इन्वॉल्व हैं, आप किसी वस्तु में इन्वॉल्व हैं, आप किसी विचार में इन्वॉल्व हैं। आपका विचार है कि इस्लाम मेरा है, विचार आपका है, इस्लाम पे संकट आता, आप परेशान हो जाते। आप सोचते हैं मेरा मित्र है, आप सोचते हैं मेरी पत्नी है, दृढ़ता लाते विचारों में, बचपन से विचारों में दृढ़ता लाई जाती कि ये तेरा ये मेरा, ये संभव नहीं है। और जैसे ही जिसके प्रति आप विचारों में दृढ़ता लाते, इन्वॉल्व होते, और फिर उसके दुख से दुखी होते। संसार में लाखों लोग दुखी हैं, हजारों एक्सीडेंट लोग होते हैं, करोड़ों लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके प्रति आपके विचारों में दृढ़ता नहीं आई, इसलिए आपके मन में उनके प्रति इन्वॉल्वमेंट का भाव नहीं जागा। इन्वॉल्वमेंट आप वस्तु से करते हैं, गाड़ी से करते हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, आप दुखी हो जाते हैं। ये समझ लेना, ये आप सोचते गाड़ी मेरी है, गाड़ी गाड़ी है और आप हैं, लेकिन ये सिखाया जाता, विचारों में दृढ़ता लाई जाती, दृढ़ता भाव लाती, और फिर आप परेशान हो जाते। नेक्स्ट, आज के बाद आप जीवन में गौर करना,
जिन जिन चीजों का आपने चुनाव किया है उसके प्रति आपकी दृढ़ता जागी है और उसी दृढ़ता ने आपको दुख दिया है और वही दृढ़ता आपको दुख देती चली जा रही है। किसी को बाहर वाला दुख नहीं दे रहा है, जो चीज उसके पास है, जो सामान उसके पास है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे धार्मिक विचार के रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वस्तु हो, जो उसने दृढ़ता लाकर अपनी मानी है और अपनी बनाई है, वही चीज उसे दुख दे रही है। अगर इतना उसका हटा दिया जाए, अगर आपके चुनाव हट जाए, अगर आपके पक्षपात हट जाए, आपका जीवन आज के आज हजारों गुना सुख से भर सकता है। फिर दुख दस्तक देगा कहां से? अगर कोई चीज मेरी है तो उससे मेरी अपेक्षा जागती, उस पर संकट आता, मैं दुखी होता, लेकिन मैं हूं और वो है, कहते तो हैं, सदियों से सिखाते कि अकेले आते अकेले जाते, क्यों माया में फंसते, और फिर वो माया में क्यों फंसते पूछने वाले ही पक्षपात और चुनाव सिखाते, और पक्षपात और चुनाव के मार्ग पे जाने वाला इन्वॉल्वमेंट से बच नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है साइकोलॉजिकली। आप ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरा है ये जानो? हम कहते हैं चलो हम तैयार हैं, हम जानते हैं दूसरा है, तो फिर आप समझो आपका धर्म हिंदू है। ये तो पक्षपात शुरू हो गया। पक्षपात करेंगे तो आप इन्वॉल्व होंगे फंस जाएंगे। नेक्स्ट, और हर इन्वॉल्वमेंट आप आज के बाद गौर करना कि जिस के प्रति आपका इन्वॉल्वमेंट है उसके प्रति आपकी एक्सपेक्टेशंस जागती। ये आप ही की बनाई दुनिया है, आप ही का माया जगत है। हकीकत में इस पूरी प्रोसेस का आपके जीवन से रत्ती भर कोई लेना देना नहीं है। आप अपेक्षाएं किससे करते हैं आज के बाद आप गौर करना। आप एक्सपेक्ट किससे करते हैं जिनमें आप इन्वॉल्व हैं, जिन्हें आप अपना मानते, जिन्हें आप अपना नहीं मानते, उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर आप धर्म को अपना मानते तो आप धर्म से एक्सपेक्ट करते, एक्सपेक्टेशन टूटती, दुख आता। आप परिवार को अपना मानते, आप माता पिता को अपना मानते आप अपेक्षा करते, अपेक्षा टूटती, आप दुखी होते, आपस में झगड़े होते, कर कुछ नहीं पाते। ये समझ लेना, ये आपके विचार हैं, हकीकत में ऐसा है नहीं कि ये मेरा है। आप चुनाव करते, आप गाली से एक्सपेक्ट करते कि वो नहीं कि नहीं बनी रहे, अपने को देखते नहीं कि किस स्पीड से पुराने हो रहे हैं, कमाल है। और फिर गाड़ी पुरानी होती, गाड़ी का एक्सीडेंट होता, गाड़ी बिगड़ जाती, आप दुखी हो जाते। तो ये एक पूरी की पूरी चेन मैंने आपको समझाई कि इन्वॉल्वमेंट और अपेक्षा आपके सारे दुखों का मूल है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट और अपेक्षा पे डायरेक्ट अटैक किसी चीज का इलाज नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकली गलत है। उसकी शुरुआती जड़ है पक्षपात और चुनाव। अगर आप पक्षपात और चुनाव से बच गए तो आपके जीवन में इन्वॉल्वमेंट अपेक्षा दस्तक नहीं देगी, और इन्वॉल्वमेंट अपेक्षा दस्तक नहीं देगी तो जीवन में दुख का कारण ही नहीं है। बड़ी सिंपल साइकोलॉजी है ये। आपने हजारों कहानियाँ सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियाँ में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। इस किताब में वर्णित कहानियाँ आपको महापुरुषों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों की रोमांचक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आपको न सिर्फ आएगा बल्कि इससे आपके जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।